जैसे ही एनसीबी ने कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग्स बेचने, खरीदने, उसको बांटने का आरोप लगाया, वैसे ही ये मामला फिर से एक्टिव हो गया है सुशांत सिंह राजपूत वाला। और सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है प्रियंका, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए साफ साफ कह दिया है कि मरते दम तक सुशांत सिंह राजपूत का केस लड़ते रहूंगी और इंसाफ लेकर रहूंगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी हमारे साथ खड़े हैं और मैं अपने दम पर, अपने चाहने वालों के दम पर ये केस लड़ूंगी और लड़कर जीतूंगी भी। उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का इस दुनिया से जाना सामान्य नहीं था। ये सब कुछ जो मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, इसके पीछे बॉलीवुड नेक्सस का बहुत बड़ा हाथ था। वो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। प्रियंका का ये कहना है कि बॉलीवुड नेक्सस को जब ये लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ रहे हैं और उनका वर्चस्व खतरे में पड़ गया है, तब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपने तरफ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा नहीं किया। तब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती को एक प्लानिंग के तहत भेजा जाता है और फिर किस तरह से क्या चीजें हुई ये आपके सामने ही है। बॉलीवुड नेक्सस जो है वो असुरक्षित महसूस करने लगा कि कैसा एक बिहार से आया हुआ लड़का उनसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहा है और बड़े ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उनका एक ही मकसद होता है कि इस तरह का टैलेंट या तो उनके पास आकर उनके खेमे में मिल जाए या फिर इंडस्ट्री से पूरी तरह से बाहर हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रगिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कि सुशांत नशेड़ी है, इसके लिए भी प्रियंका ने लताड़ लगाई है पूरे बॉलीवुड। उनका ये कहना है कि आज जब 35 आरोपियों के साथ रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया है तो ये बात क्लियर हो गई कि ड्रग्स कौन लेता था, उसका व्यापार कौन करता था, उसे बांटता कौन था। प्रियंका ने कहा कि लोगों को क्या लगता है कि सुशांत ने सुसाइड की है? ये बात मैं केस से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहती हूँ कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। मैं ये केस आखिरी दम तक लड़ूंगी और ये कहना चाहती हूँ कि जो जांच एजेंसियां पता लगाएं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, और अगर ये सुसाइड है तो जांच एजेंसियां हमें बताएं कि ये सुसाइड कैसे है। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। मैं खुद भी क्रिमिनल वकील हूं, ऐसा प्रियंका का कहना है, और मैं देखकर बता सकती हूं कि सामने वाले ने आत्महत्या की है, उसके साथ कुछ गलत हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका ने यह भी कहा कि जब 8-10 दिनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर में, जब हमें उस घर में जाने का मौका मिला, तो उस घर में जो पंखा लगा हुआ है, जो बेड है, उसकी हाइट का अंदाजा देखकर लगाया जा सकता है कि इस पंखे पर तो लटक कर कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता, खासकर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में प्रियंका ने तुरंत ही ये मामला देखते हुए कहा कि सीबीआई को कि ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन इस एंगल पर अभी तक जांच हुई ही नहीं। प्रियंका ने 3 दिन पहले ही सीबीआई को लेटर लिखा है और ये कहा है कि वो दोबारा से हमारा बयान कब लेंगे। प्रियंका ने ये भी कहा कि उन्हें 2019 से संदेह था कि उनके भाई के साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उनकी जिंदगी में अचानक से रिया चक्रवर्ती आ गई थी और रिया चक्रवर्ती के आने के हफ्ते भर बाद ही झगड़े होने लगे थे। प्रियंका ये कहती है कि रिया चक्रवर्ती को पूरी प्लानिंग के तहत सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में भेजा गया था। इस बॉलीवुड नेक्सस को पूरी तरह से डर था कि ये लड़का आगे निकल जाएगा और साथ ही साथ इसकी बहन भी उसकी देखभाल करने के लिए आ गई है। तो प्रियंका ने बहुत सी बातें इंटरव्यू में कही है और उन सब बातों का ये सार है कि सीधे सीधे तौर पर प्रियंका जो है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, बॉलीवुड नेक्सस के ऊपर आरोप लगा रही है कि सुशांत की मौत जो है वो सामान्य नहीं थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौत सामान्य नहीं थी, अगर सामान्य होती तो फिर रिया चक्रवर्ती को जो बचाने की कोशिशें की गई थी ये क्यों की गई थी? क्यों किसी मुजरिम को बचाया जा रहा है? कहीं भी सिंपल सी बात है कि कहीं अगर कोई मर्डर वगैरह हो जाएगा तो उसकी जांच खुले तौर पर की जानी चाहिए। उसके लिए रिया चक्रवर्ती को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, मीडिया से लेकर बॉलीवुड में सब उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं और सब सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। क्या बॉलीवुड में लोगों को इस तरह की चीजों के लिए खड़ा किया गया कि आपको सुशांत के खिलाफ बोलना है और रिया के समर्थन में बोलना है? ये सारी बातें सब कुछ जांच में चल रही है। हालांकि कब सीबीआई इन सब चीजों के ऊपर बात करेगी, कब इन सब चीजों को सामने लेकर आएगी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये केस खुला है तो इसका निपटारा तो होकर ही रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि इस केस का जो फाइनल डिसीजन आएगा ये 2024 में ही आएगा, और इस बातों को नोट करके रख लीजिए आप कि ऐसा ही होने वाला है।